हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम एक जगह तक गए थे नेगेटिव साइन पे, और आज वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, वो नेगेटिव साइन है क्या, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम कहते हैं लेंज़ लॉ एंड इट्स एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ, वो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अगर आप उसमें देखना चाहें एनसीईआरटी की बुक में, तो 210 पेज पे है, ठीक है। एक पूरा पैराग्राफ है छोटा, एक पेज का, ठीक है। उसको आप पढ़ें, लेकिन उसकी जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। लेंज़ लॉ ने क्या बताया, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, बहुत काम आएगा ये। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज सच दैट, ये इसकी स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है। इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट, इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट विच अपोजेज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट, मतलब समझ सकते। देखो कल हमने लिया था माइनस, ठीक है। इस माइनस का मतलब समझो क्या है, इस माइनस को ही किसने डिफाइन किया था, लेंज़ लॉ ने। इस माइनस का मतलब क्या था, अपोज, माइनस का मतलब क्या होता है, अपोज करना, ठीक है। तो ये एक अपोजिशन लॉ है, और वो कहता क्या है, सुनो उसको अच्छी तरह। वो कहता ये है कि अगर कोई मैग्नेट है और उसके पास एक कॉइल रखी हुई है, और इसको हम वी वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम वी वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, और एक केस में हम इसको वी वेलोसिटी से पीछे लेके जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, सुनिए। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट विच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि इस क्वाइल के अंदर जो करंट आएगा वो कुछ इस तरह का करंट आएगा जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। क्योंकि नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो खुद चेंज नहीं होना चाहती, ठीक है। मतलब वो जैसे इनर्शिया के कारण, वो जैसे जैसे मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। तो ये क्वाइल, कनेक्टिंग क्वाइल है ये क्वाइल भी कैसे रहना चाहेगी, रेस्ट पे रहना चाहेगी। अब इसके अंदर से आप मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेंगे, तो ये क्वाइल ये चाहती है कि मैं रेस्ट पर हूँ, तो वो करंट कुछ इस तरह इंड्यूस्ड करेगी कि उसके अंदर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, अपोज हो। इसका मतलब देखो क्या है, एक सेकंड रुको, मैं ये कर देता हूँ फोन को। हाँ जी, अब सुनिए, अपोज का मतलब देखो, अपोज का मतलब होता है चेंज। अब देखिए, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, ध्यान से समझो इसको, ये इसमें दो तीन रूल आएंगे, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉइल इस नॉर्थ पोल का क्या करेगी, अपोज करेगी। इसका मतलब अपोज करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसको अपनी तरफ आने नहीं देना चाहती, ठीक है। ये इसको अपनी तरफ क्या नहीं करना चाहती, आने नहीं देना चाहती। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, और अंदर कौन सा बनेगा। अगर यहाँ पे हम नॉर्थ पोल जनरेट कर दें तो क्या ये इसकी तरफ आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। पता है एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है। कोई भी नॉर्थ पोल बनता है तो इसके अंदर हमेशा करंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक रूल से आपने कभी सुना होगा, ठीक है,
थर्ड यूनिट में आना पड़ेगा। अगले केस में देखिए, अगर ये साउथ, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो फिर भी ये इसका अपोज करेगा भाई, मतलब ये जैसा है ना वैसे ही रहने की कोशिश करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज नहीं होने देना चाहता, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब कौन सी तरह करंट आएगा इसमें, क्लॉकवाइज। क्या ये दो चीज समझ में आई आपको? ठीक है, लेंजेस लॉ स्टेटमेंट और ये दो डायग्राम आपको समझ में आए? ठीक है, दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरह किसी कॉइल के अंदर जनरेट होगा कि वो जो करंट है ना वो किसका अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसका मतलब अगर आप नॉर्थ को पास लेके आएंगे तो नॉर्थ का पोल अपोज करेगा, अगर नॉर्थ को आप दूर लेके जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल के लिए हमेशा करंट कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल के लिए हमेशा करंट कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कॉइल कुछ इस तरह की है, पीछे वाला पार्ट दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी आप ये सोचो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अपने सामने देखेंगे तो ठीक है, तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इतनी काम आगे सुनिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे आज, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा पक्का ना पक्का बोर्ड में आता ही आता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि इसमें किस तरह का करंट इंड्यूस्ड होगा। अब आगे देखिए, आगे मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ, वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, उस लाइन को समझिए आप क्या है। वो लाइन ये है, बट इट डज नॉट सक्सीड कंप्लीटली, बट इट डज नॉट सक्सीड कंप्लीटली बिकॉज फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई इंड्यूस्ड करंट इज द ओनली ए टीनी फ्रैक्शन, बिकॉज फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई इंड्यूस्ड करंट is only a teeny fraction, is only a teeny fraction of the original, इसका मतलब समझिए अब क्या इस लाइन का मतलब, शायद इसमें नहीं लिखी मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि भाई ये मैग्नेट था, ये कॉइल थी। ठीक है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये कॉइल अपोज तो कर रही है, इसका बिल्कुल अपोज कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होएगा, इसमें जो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होएगा। ठीक है, वो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई हैं ज़्यादा, ठीक है, उसका कुछ पार्ट ही कंज्यूम होगा, बस कुछ पार्ट को ही अपोज कर पाती है, पूरे पार्ट को ही अपोज नहीं कर पाती है। ठीक है, ये बात समझ गए क्या है ये, कि कॉइल के अंदर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इसका अपोज तो करेगा, लेकिन इसका अपोज बहुत कम मात्रा में करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है इट डज नॉट सक्सीड कम्प्लीटली। ठीक है, ये अपना पूरा सक्सेस नहीं पाता, जो फ्लक्स प्रोड्यूस बाई इंड्यूस्ड करंट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया है ना, वो सिर्फ कितना होता है, बहुत कम फ्रैक्शन में होता है, जितना ये ओरिजिनल में निकल जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इसका फ्लक्स 10 वेबर है। ठीक है, लेकिन ये इंड्यूस करंट कुछ इतना होता है, 2 वेबर का ही प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप? ओके, इस लाइन को लिखना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, अभी आपको समझ में आनी चाहिए, पता चलना चाहिए, पूछ लेते हैं काफी बार। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें ये पता चली कि जो बी है, बी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, कैसी रहेगी, होगी ना ऐसी। देखो क्यों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन हम इसको अपोज करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमेशा ओरिजिनल के कैसे रहेगा, अपोजिट हमेशा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको दूर लेके जाएंगे, ठीक है, तो फील्ड लाइन अब ऐसे आ रही है सारी उल्टी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे इंड्यूस्ड होगा, कुछ इसके बाहर की तरफ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और कुछ नहीं। क्लियर ये चीज, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इसके एनर्जी कंजर्वेशन पे आते हैं। इसका एनर्जी कंजर्वेशन देखिए क्या कहते हैं, ठीक है, डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं, लिखा आप लेना अपने आप, देखो क्या है। किसी भी मैग्नेट को जब हमने थ्रो किया कॉइल की तरफ, ठीक है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। बदले में इस कॉइल के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, अभी बताया था इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब स्पीड जो है, स्पीड वो क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इसको हम स्पीड से फेंकेंगे तो ये इसका अपोज करेगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अगर हम इसको थ्रो ही नहीं करेंगे तो जो वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, ना तो इसमें करंट आएगा ना इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन केसेस इसमें लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन के, क्या क्या, दोबारा सुनो, मैग्नेट को जब हम थ्रो करेंगे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन ये कॉइल इसका अपोज करेगी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। और एनर्जी क्या होती है, हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कम हो जाता है और वो किसमें स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझिए ना भाई। अगर काइनेटिक एनर्जी रहती परमानेंट तो एनर्जी कॉन्स्टेंट कहाँ से होती है, इस कॉइल के लिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी हम क्या मानेंगे, हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। अगर ये मैग्नेट मूव नहीं करेगा तो कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा तो इसमें कोई एनर्जी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या ये समझ में आ गया, वो ना आराम से, ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। हर एक चीज में आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। अब इसके क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, आप उसको पूरा पढ़ना, जो आपको डाउट लगे वो लाइन एंडर मार्क करके आप मुझे भेजना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। सिक्स पॉइंट फोर, अब जो मैं अगला क्वेश्चन चल रहा हूं, अगर आप बुक में देख सकते हैं 211 पेज पे है 6.4 क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। अब क्या है 6.4 में, क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको इस तरह, इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें ये एक स्क्वायर है इस तरह का, इसके अंदर एंट्री कर रहा है, ये एक ट्रायंगल है इसके बाहर जा रहा है, ये एक इररेगुलर शेप का है ये भी बाहर जा रहा है, ठीक है। करना क्या हमें, इसमें कह रखा है शोज प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट और इन रीजन मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर अवे फ्रॉम द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें बतानी है, कैसा इंड्यूस्ड करंट ये होएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, देखो क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप हर क्वेश्चन को करने के लिए फिर अप्लीकेबल हो जाते हैं यूनिफॉर्म। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, पहले केस में आप ये चीज देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। देखो ये जो पार्ट है इस फील्ड लाइन के अंदर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका फ्लक्स आप मुझे बताइए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा बताइए, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा काटेगा या कम काटेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा काटेगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा काटेगा तो ज्यादा करंट बनेगा, समझ गया ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर ज्यादा काटेगा तो क्या बनेगा, ज्यादा करंट बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा करंट बनेगा तो इसका मतलब फ्लक्स इसके अंदर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इसके अंदर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर करंट कुछ इस तरह का होगा कि वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लक्स का। यही बताया था लेंज लॉ ने कि जो फ्लक्स आएगा ना उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा।